हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तथ्य और इतिहासकार। आज हम तथ्य और इतिहासकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। तथ्य का क्या महत्व है और इतिहासकार किस तरह तथ्यों को सिलेक्ट करता है और किस अनुसार किसी पुस्तक का, हम या कहें किसी घटना का, किस तरह उल्लेख करता है। तो दोस्तों, आज हम तथ्य और इतिहासकार के बारे में विस्तार से समझेंगे। समझना दोस्तों, अगर हम बात करें ईएचकार की बात करें तो ईएचकार ने कहा है, तथ्य और इतिहासकार के मध्य जो संबंध है वे मछली और पानी की तरह है। तो दोस्तों समझना, तथ्य होता है और इतिहासकार होता है, दोनों का आपस में एक बहुत ही अच्छा संबंध है। और दोस्तों हम बात करें, जो तथ्य होते हैं, तथ्य खुद नहीं बोलते, उन्हें इतिहासकार बुलवाते हैं। और दोस्तों अगर तथ्यों को सही तरीके से बुलवाया जाए, या हम कहें तथ्यों की सही तरीके से व्याख्या की जाए, तो दोस्तों जो इतिहास है, इतिहास भी एक विज्ञान का रूप ले लेता है। आज दोस्तों हम तथ्य और इतिहास के बारे में, इतिहासकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तथ्यों का क्या महत्व है, कौन कौन से तथ्य होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है इतिहास को, अतीत को। समझना दोस्तों, तथ्य नंबर पहला है दोस्तों, तथ्य। ये तथ्य क्या होते हैं दोस्तों, तथ्य समझना, जो तथ्य होते हैं दोस्तों ये अतीत से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों, तथ्य जो होते हैं ये दोस्तों अतीत से होते हैं। अतीत अर्थात जो तथ्य होते हैं, तथ्य बीते हुए समय के होते हैं, जो समय बीत चुका है उससे संबंधित होते हैं तथ्य, ठीक है। एक होता है दोस्तों इतिहासकार होता है। क्या होता है, इतिहासकार होता है, समझना दोनों को, इतिहासकार, ठीक है ना। जो ये इतिहासकार होता है ये दोस्तों वर्तमान में होता है। क्या होता है, वर्तमान में होता है इतिहासकार। तथ्य कब के हैं, अतीत के हैं, ठीक है ना। दोनों को समझना, तथ्य कब के हैं, अतीत के, और दोस्तों इतिहासकार कब का है, वर्तमान का, ठीक है ना। अब आप समझना, अब जो ये इतिहासकार है ये अब अतीत के, इतिहासकार क्या करेगा, अतीत के जो तथ्य हैं इन्हें सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा, इन्हें सिलेक्ट करेगा। अब इन अतीत के जो तथ्य हैं ये मूक होते हैं। क्या होते हैं, मूक होते हैं, हम कह सकते हैं खुद नहीं बोलते, खुद नहीं बोलते, क्या नहीं करते, खुद नहीं बोलते, ये मूक होते हैं जो खुद नहीं बोलते, ठीक है ना। अब इतिहासकार क्या करेगा, यहां से तथ्यों को उठाएगा। किसको उठाएगा, तथ्यों को उठाएगा यहां से, और इन तथ्यों को जब यहां से उठाएगा तो अब इनकी क्या करेगा, तथ्यों की अपने अनुसार, तथ्यों के आधार पर इनकी क्या करेगा, परिभाषा, या हम कहें ये तथ्यों के आधार पर क्या करेगा, व्याख्या करेगा। क्या करेगा, व्याख्या करेगा तथ्यों के आधार पर। समझना एग्जाम्पल दोस्तों, मोहन जोदड़ो से एक नाश्ती हुई मूर्ति प्राप्त होती है। मोहन जोदड़ो से वह मूर्ति खुद नहीं बोलती, उसे इतिहासकार बुलवाते हैं। जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो तथ्य है, वह खुद नहीं बोलता, उसे कौन बुलवाता है, इतिहासकार बुलवाता है। अब इतिहासकार क्या करेगा, भाई जब मूर्ति नाचती हुई प्राप्त होती है तो उस समय डांस भी किया जाता था। कहने का मतलब यह है, जैसा तथ्य प्राप्त होगा उसी के अनुसार इतिहासकार उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों समझना, जो तथ्य होता है ये दोस्तों एक कठोर रूप में भी हम इसे ले सकते हैं, कठोर होता है। तथ्य क्या होता है, कठोर होता है। और जो ये इतिहासकार होता है ये थोड़ा सा कोमल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोमल, ये अपने अनुसार भी व्याख्या कर सकता है, थोड़ा हम कह सकते हैं नमक मिर्च भी थोड़ा लगा सकता है। लेकिन जो तथ्य होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। जैसे एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, कालीबंगा से एक जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, कठोर तथ्य है। अब उसके बाद इतिहासकार उसकी अब व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों जो खेत जुता हुआ है कालीबंगा से, वे उत्तर, इस तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर जुता हुआ है। समझना थोड़ा सा,
उत्तर से दक्षिण की हलाई की दूरी 190 सेंटीमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर जो दूरी है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जो दूरी है हलाई की, यह 30 सेंटीमीटर है। अब इतिहासकारों ने क्या सोचा, भाई अगर इस एक खेत में व्याख्या किस तरीके से करेंगे, खेत है, तथ्य है, कठोर है, ठीक है ना। अब इतिहासकारों ने क्या कहा, भाई जब एक खेत में एक ही फसल बोनी थी तो इस खेत को सीधा इसी तरीके से जोत देते, इस तरीके से जोतने की जरूरत क्या थी। तो फिर अनुमान लगाया एक खेत में कितनी फसलें बोई जाती थी, दो। अब दो तो बोई जा रही है भाई, इस हलाई में भी बोई जा रही, इसमें भी बोई जा रही। फिर दिमाग लगाया, फिर व्याख्या फिर और अच्छी करी। तो उन्होंने सोचा जिसकी दूरी 190 सेंटीमीटर है हलाई की, उत्तर से दक्षिण इस वाली की, इसमें क्या बोई जाती थी, सरसों बोई जाती थी भाई। क्या बोई जाते थे, सरसों बोई जाती थी। जिसकी दूरी कम है 30 सेंटीमीटर है, इसमें चने बोए जाते थे। क्या बोए जाते थे, चने बोए जाते थे। कहने का मतलब ये है एक सरसों हो गई और एक चने हो गए, एक खेत से दो फसलें ली जाती है, मिश्रित खेती की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से व्याख्या की जाती है। तथ्य क्या है, जुता हुआ खेत है। अब व्याख्या इसकी जो सारी जो व्याख्या है, एक खेत में दो फसलें बोई जाती हैं, सरसों बोए जाते हैं, चने बोए जाते हैं, ये सारी इसकी किस्म आ जाती है, व्याख्या आ जाती है। और इस व्याख्या कौन करता है, इतिहासकार करता है। हम कह सकते हैं जो तथ्य होते हैं वो मूक होते हैं, वो खुद नहीं बोलते, उन्हें बुलाने का काम कौन कर रहा है, इतिहासकार कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आगे आप समझना। अब जो ये तथ्य है, हम जुता हुआ खेत मान लेते हैं कालीबंगा का, ये कब का है, अतीत का है। अतीत का भी कब का है दोस्तों, ये आज से 4,500 वर्ष पहले का है दोस्तों, ठीक है ना। जो कालीबंगा का समय है, हड़प्पा सभ्यता का समय है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व की है। और वर्तमान में क्या चल रही है दोस्तों, 2021 चल रही है, तो 4,500 के लगभग क्या हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जुता हुआ खेत कितना पुराना है, 4,500 वर्ष पुराना मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस जुता हुआ खेत कितना पुराना है, 4,500। इतिहासकार कब है, वर्तमान में है दोस्तों, कब है, वर्तमान में। अब समझना दोस्तों, यहां से आप समझना इतिहास लिखने में दिक्कतें क्या होती हैं, किस तरीके से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता, समझना। इतिहासकार है वर्तमान में, घटना है 4,500 साल पहले की। अब भाई इतिहासकार ने उस समय देखा तो नहीं था भाई क्या बोया जा रहा है, खेत जुता हुआ भी नहीं देखा था, खेत की जुताई भी नहीं देखी थी। अब इतिहासकार कब का है, वर्तमान का। खेत कब का है, 4,000 साल पहले का। आप समझना, अब जो ये इतिहासकार है ना तो पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है, समझना, ना तो पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है और ना पूर्ण रूप से वर्तमान में रह पाता है। और ये इतिहासकार यहां पर बीच में रह जाता है। अब हम कह सकते हैं इतिहासकार ना पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है, उस घटना तक नहीं जा पाता है, भाई वर्तमान में है इतिहासकार तो, ठीक है, लिख तो वर्तमान में रहा है, घटना कितने समय पहले की है। ना तो इतिहासकार पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है और वर्तमान में भी रह नहीं सकता, क्योंकि भाई वर्तमान की घटना का उल्लेख थोड़ी कर रहा है, कालीबंगा की उल्लेख कर रहा है। तो दोस्तों जो ये रहता है इतिहासकार, ये बीच में रह जाता है, इसलिए इसे परिसंवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिसंवाद भी कहा जाता है। इतिहास को परिसंवाद जो कहा है वो किसने कहा है, ईएचकार ने कहा है, इसे परिसंवाद भी कहा है। किसने, ईएचकार ने इसे परिसंवाद भी कहा है। ना तो इतिहासकार पूर्ण रूप से अतीत में जा पाता है, ना पूर्ण रूप से वर्तमान में रह पाता है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों ये हो गए एक तथ्य और एक इतिहासकार की बात, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, ठीक है ना, हम कॉलिंगवुड की बात करते हैं, किसकी, कॉलिंगवुड की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, जो इतिहास है, इतिहास कैंची और गोंद की तरह है। कैसे है दोस्तों, कैंची और गोंद की तरह है इतिहास। किसने कहा है, कॉलिंगवुड ने कहा है। वो कैसे कहा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है ना। कैंची और गोंद की तरह है,
समझना दोस्तों, ये इतिहास है, इतिहास जो लेखन है, इतिहास जो दर्शन है, तथ्य और इतिहास है, इससे किस तरीके से लिखा जाता है उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। और ये इतिहास दर्शन इतिहास के छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके एनटीए नेट में कॉलेज लेक्चर में भी आपका ये टॉपिक होता है। और अगर दोस्तों आपके ये टॉपिक किसी कॉम्पिटिशन में ना भी है और आप एक इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो तथ्य और इतिहासकार जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तथ्य क्या होता है, इतिहासकार किस तरीके से सिलेक्ट करता है, समझना दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों कोलिंगवुड की। किसकी बात करते हैं, कोलिंगवुड ने क्या कहा है दोस्तों, समझना। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, ये कैंची और गोंद की तरह है। किसकी तरह है, कैंची और गोंद की तरह है, ठीक है। क्या कहा है, कैंची और गोंद की तरह, ठीक है। क्या कहा है दोस्तों, कैसे कहा है कोलिंगवुड ने क्या कहा है, कैंची और गोंद की तरह है। कोलिंगवुड ने कहा है, इतिहासकार के पास एक कैंची होती है और गोंद होती है। कैंची से वो जिस चीज को चाहिए उसको कुतरता रहता है भाई, काटता रहता है, ठीक है ना। जो चीज नहीं चाहिए उसको काट कर नीचे डाल देता है, ठीक है ना। जो चीज चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेता है, और दोस्तों जो चीज चाहिए उसे सिलेक्ट करके और गोंद उसके पास है और उसे गोंद से क्या कर देता है, चिपका देता है। समझे कुछ, कैंची होती है, जो चीज चाहिए उसे काट लेता है और उसे चिपका लेता है, जो चीज नहीं चाहिए उसे डस्टबिन में डाल देता है। साहब कहने का मतलब ये है कि जो तथ्य होते हैं, समझना, जो तथ्य होते हैं वे काफी होते हैं, उनमें से इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कौन से तथ्य को सिलेक्ट करना है। क्या है, कौन से तथ्य को सिलेक्ट करना है। तथ्य काफी होते हैं, लेकिन दोस्तों अब इतिहासकार पे डिपेंड करता है कि कौन से तथ्य को हटाना है, कौन से को चिपकाना है, कौन से को काटना है, कौन से को डस्टबिन में डालना है। ये किस पे डिपेंड करता है, इतिहासकार पे करता है। इसीलिए कभी कभी हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं जो अच्छे राइटर नहीं होते, और ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशनों में बहुत चलते हैं। जब हमें समझदारी नहीं होती तो हम ऐसी किताबें काफी पढ़कर भी आए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी किताब ऑथेंटिक होती है, कौन सी अच्छी है, कौन सा राइटर सही है, तो उसका हमें बाद में पता चलता है जब हम एक काफी अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, और वो भी हमें जब काफी हम ठोकर खा चुके होते हैं उसके बाद पता चलता है कि कौन सी किताबें अच्छी है। और कभी कभी तो हम गाइडों को ही किताब मान लेते हैं, ये काफी होता है। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास कौन सी किताब है, तो वो गाइडों का नाम ले देता है, साहब मेरे पास हरियंत ये है, वो है, जैसा भी है, तो हमें पता है कि वो गाइड है, किताब है ही नहीं, ठीक है ना, अलग बात है। अब आप समझना, इसमें क्या होता है, जो छोटे इतिहासकार होते हैं घटनाओं को अपने अनुसार मोड़ देते हैं, भाई फला ऐसा था, वो ऐसा था, फला बहुत कट्टर था, उसने ऐसा किया था, वैसा किया था। लेकिन जैसे हम लेवल पर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सच्चाई क्या है। इसलिए एक अच्छी किताब जिंदगी में पढ़नी चाहिए। इतिहासकार भी कैंची और गोंद का काम करता है। बहुत से छोटे होते हैं, जैसे लिख देते हैं वैसे लिख देते हैं, ठीक है ना, जैसा भी भटका भी देते हैं रास्ते से। इतिहासकार रास्ते से भटका भी सकता है, आपको याद रखना ये बात, इतिहासकार आपको रास्ते से भटका भी सकता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे टीचरों से पढ़ना चाहिए हमेशा, ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना। समझना दोस्तों, कैंची और गोंद की तरह है। किसकी तरह है, कैंची और गोंद की तरह। ये किसने कहा है, कोलिंगवुड ने कहा है। अब इतिहास में दो चीजें और होती है, एक होता है यथार्थवाद, होता है यथार्थवाद, और एक होता है व्याख्यावाद। इन दो चीजों को भी आप समझ लें, यथार्थवाद जिसे प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, और एक होता है व्याख्यावाद। इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। समझना दोस्तों, एक होता है व्याख्या और एक होता है प्रत्यक्षवाद, ठीक है ना। ये है दोस्तों तथ्य, ये क्या है, तथ्य, ठीक है ना। इस तथ्य से ही निकलते हैं, दो निकलते हैं इस तथ्य से ही, एक होता है इस तथ्य से क्या होता है, यथार्थवाद, ठीक है ना, जिसे यथार्थवाद, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, यथार्थवाद, जिसे प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। एक होता है व्याख्यावाद, व्याख्यावाद, ठीक है, इन दोनों चीजों को आप समझ लें, व्याख्यावाद, ठीक है ना। तथ्य जैसा है, जैसा तथ्य है वैसा ही,
वैसा ही या हम कहें उसी रूप में। इसमें क्या होता है दोस्तों, समझना प्रत्यक्षवाद में, जैसा तथ्य है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, उसको उसे कहते हैं यथार्थवाद। क्या कहते हैं? यथार्थवाद। जैसा तथ्य है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसी के अनुसार उसके बारे में लिखना, उसी रूप में स्वीकार करना, यथार्थवाद, प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। और एक बात याद रखना, हम बात करें एक्टन और हम राके की बात करें इतिहासकारों की, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, जो तथ्य होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसने? एक्टन और राके ने कहा है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, अगर दोस्तों तथ्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए तो इतिहास लेखन में दोस्तों बहुत अच्छा मजा आता है। और एक बात याद रखना, इतिहासकार का जो काम होता है वे तथ्यों का उल्लेख करना होता है, वे घटना का उल्लेख करना होता है, जनता के सामने उस चीज को लाना होता है। ये इतिहासकार का काम नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये पाठकों का काम है कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन आजकल इतिहासकार खुद ही ये काम कर लेते हैं कि फला ऐसा था फला वैसा था, लेकिन इतिहासकार का काम है केवल सच्चाई को अपनी पुस्तक में लिखना, बाकी काम पाठकों का होता है, विद्यार्थियों का होता है, क्या सही है क्या गलत है इसकी व्याख्या करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यथार्थवाद में जैसा तथ्य है उसे वैसा ही स्वीकार करना, और दोस्तों ये एक्टन ने भी कहा है जैसा तथ्य है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। और दोस्तों यथार्थवाद सबसे अच्छा इतिहास होता है, सबसे अच्छा जो इतिहास होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है यथार्थवाद। अब व्याख्यावाद में क्या होता है, इनका मानना ये है जो तथ्य होते हैं वो काफी नहीं है। क्या मानना है? जो तथ्य होते हैं वो काफी नहीं है, उनका दोस्तों क्या करना चाहिए, उनकी दोस्तों व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्यावाद, ये व्याख्यावाद कहलाते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो व्याख्यावाद है इन्हीं से इतिहास थोड़ा गड़बड़ाता है, क्योंकि यहीं पर ये छेड़छाड़ करते हैं। अगर तथ्य के आधार पर इतिहास को पूरा लिखा जाए तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इतिहास में, और इतिहास एक यथार्थवाद, प्रत्यक्षवाद और एक विज्ञान का रूप ले सकता है। यहां पर दोस्तों गड़बड़ की जाती है व्याख्यावाद में। यहां पर जो मार्क्सवादी होते हैं वे दोस्तों हर चीज को आर्थिक पर ले जाते हैं, जो धार्मिकवादी होते हैं वो धर्म पर ले जाते हैं, जो साम्राज्यवादी होते हैं वो साम्राज्य पर ले जाते हैं, जो राष्ट्रवादी होते हैं वो राष्ट्रवाद पर ले जाते हैं। यहीं पर गड़बड़ होती है व्याख्यावाद पर। तो दोस्तों ये है दोस्तों व्याख्यावाद और एक प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करके उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना, वो होता है यथार्थवाद या प्रत्यक्षवाद। और दोस्तों तथ्यों के साथ व्याख्या करना तथ्यों की, वो होता है व्याख्यावाद। ये दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों तथ्य भी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, हम बात करें दोस्तों जो ये इतिहास है, इतिहास की हम बात करें, क्रोचे के अनुसार हम बात करें। किसके अनुसार दोस्तों? क्रोचे के अनुसार हम बात करें, इन्होंने क्या कहा है, जो इतिहास है समसामयिक है। इतिहास कैसा है? समसामयिक है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में लिखा जाता है इतिहास, इसलिए जो इतिहास है वो समसामयिक है। ये किसने कहा है दोस्तों? क्रोचे ने कहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों जो तथ्य होते हैं सबसे ज्यादा महत्व इतिहास में जो होता है वो तथ्य में, फैक्ट्स में होता है दोस्तों, और ये फैक्ट्स पर ही इतिहास डटा हुआ है। इसलिए मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, हम ईएचकार की भी बात करें जिन्होंने क्या कहा है, तथ्य के बिना, तथ्य और इतिहासकार का जो संबंध है मछली और जल की तरह है दोस्तों। इस तथ्य को जो बुलवाने का काम करता है वो इतिहासकार करता है। इतिहासकार के बिना तथ्य का कोई महत्व नहीं है, और तथ्य के बिना इतिहासकार भी अधूरा है, समझना। तथ्य के बिना इतिहासकार अधूरा है। और दोस्तों हम बात करें और
इतिहासकार के बिना जो तथ्य है उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों ये है तथ्य और इतिहासकार, जिनका दोनों का आपस में क्या संबंध है, उसी में दो उसी टॉपिक पर दोस्तों आज हमने चर्चा की थी। इसके बाद दोस्तों हम इतिहास दर्शन की अगली क्लास लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन भी दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।